तो राघव फुल कोशिश कर रहा है वैदी को ये कन्विंस करने की कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है और पिछले जन्म में हम दोनों शादीशुदा थे और हम दोनों का कोई कनेक्शन था, और मुझे जो सपने आ रहे हैं पुनर्जन्म के उसे भी वो सपने आ रहे हैं, तो हम दोनों बहुत परेशान हैं। पर वैदी उस बात को बिलीव नहीं करना चाहती है क्योंकि अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं मिली उसे पिक्चर की, उसको क्यों ये पुराने फ्लैशेज आ रहे हैं। विवेक ने, मतलब जो राघव है, उन्होंने देख लिया और उन्होंने मेरा फेस अपने सपने में बहुत क्लियरली देख लिया। मैंने नहीं देखा है, पर आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में मुझे फेस क्लियरली दिख जाता है। तो वही बेसिकली हाइड एंड सीक चल रहा है कि इसने देख लिया तो मैं बिलीव नहीं कर रही हूँ, जब मैं देखूंगी तो जो चुड़ैल है वो अपनी कोई चाल खेलेगी, ऐसा कुछ तो है। हाँ जी, तो वैसे ही आई थिंक स्क्रिप्ट बनती है ना कि हीरो हीरोइन को कभी मिलाना नहीं चाहते हैं लोग, और एक नेगेटिव पर्सन होता है, एक चुड़ैल होती है, डायन होती है, पहले काला सुर था जो हम दोनों को मिलाना नहीं चाहता था, तो अब चुड़ैल आई है और वो हम दोनों को नहीं मिलाना चाहती है। आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में मान जाएगी। हमारा एपिसोड ऐसे फटाफट चलता है। थैंक यू। हाँ, जो पिक आ गई है वो राज और गौरी की शादी की है, और अगर वो वैदेही को याद आ गया तो फिर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। जो इतनी प्लानिंग की है संजना ने, 25 सालों से जो इंतज़ार किया, वो सब ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं आई हूँ कि उनको बहकाने के लिए कि ये पिक इस पे मत जाइए, और मैं जो कह रही हूँ उस पर विश्वास कीजिए। मैं कह रही हूँ कि गांव वाले, आप लोग ये जो हवेली खरीद रहे हैं, गांव वालों को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो मोर्चा निकालने वाले थे, इसीलिए वो ये फ़ोटो खींची है कि इनके इनके खिलाफ़ मोर्चा निकालने वाले हैं। लेकिन तो उस कुछ 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 ना कुछ ऐसी भलता कुछ भी बोल के मैं उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि बस ये पिक्चर उनको विश्वास नहीं दिलाना चाहिए कि एक्चुअली में वो राजगौरी हैं और उनकी शादी हो चुकी है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो इसलिए बस कुछ भी बोले जा रही हूँ ताकि बस उनका नहीं, इनफैक्ट राघव मान गए हैं कि राघव को, क्योंकि फ़ोटो मिली है ये और गुरुजी ने बताया राघव को, तो वैद्य ही नहीं मान रही है कि वैद्य ही का ध्यान भटका रही हूँ मैं, वैद्य ही नहीं मान रही है कि ये फ़ोटो उनके पिछले जन्म की है। सो आई एम ट्राइंग टू राइट नाउ मैं उनका माइंड डाइवर्ट करी हूँ, वैद्य ही का। अब किस हद तक जाएगी उन जाएंगे उन लोगों को कन्विंस करवाने के लिए कि मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, मैं लोगों को मार सकती हूँ तो फिर मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अभी मैं फ़िलहाल क्या नाम, राघव को लेके जा रही हूँ एक गुफा के अंदर, और फिर मैं उनके अंदर ट्रांस कर दूँगी पूरा, और उनको ये बताऊँगी कि मैं गौरी हूँ, वो गौर वैद्य ही गौरी नहीं, मैं गौरी हूँ, और कैसे आगे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे वहाँ पर जल्दी पता चलेगा। आई थिंक यही एक पूरा पूरा ट्रैक ही है नया, अभी जैसे वो बताएगी कि मैं गौरी हूँ, अगर मैं गौरी हूँ तो फिर ये एक नया वो खुलता है कि अच्छा अगर ये मैं गौरी हूँ तो फिर उनको जो सपने आते हैं वो क्या है। सो इट्स अ कम्प्लीटली न्यू ट्रैक जहाँ पे मैं अपनी फ़ोटो दिखाऊँगी, मेरी और राघव की शादी हो, चुराज की शादी हुई थी एंड ऑल दैट। सो देखिए, आप धीरे धीरे देखिए आपको क्या